हेलो फ्रेंड्स, आज लास्ट क्लास आपने मेरा देखा था, लाइव इंटरेक्शन था आपके साथ में। उसमें मैंने आपको बताया कि क्या क्या कमियां रहती हैं। उस पर हमने डिस्कशन किया था कि क्या क्या इश्यूज आते हैं प्रिपरेशन के टाइम में, जिसकी वजह से लोगों का सिलेक्शन नहीं होता है, क्या क्या फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से लोग चयनित नहीं हो पाते हैं। तो अब हम उस चीज़ पर डिस्कशन कर चुके हैं, जो बेसिक चीज़ें थी कि क्या क्या फैक्टर्स हैं, उसको कैसे दूर करना है, आगे हम क्या क्या आपको ऑफर कर रहे हैं, आपको कैसे मदद करेंगे, वो सारी चीजें उसमें डिस्कशन हो गई। उसके बाद में आज हम डिस्कस करने आ रहे हैं आपके साथ में, आज से आपकी ज्योग्राफी की क्लास स्टार्ट हो रही है, कल से ही होना था लेकिन वो लाइव क्लासेस के चक्कर में उसकी वजह से थोड़ा सा एक दिन डिले हो गया। तो आज से हमारा ज्योग्राफी स्टार्ट है। ज्योग्राफी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप सबको पता है, क्योंकि ज्योग्राफी में लगभग 22 से 25 क्वेश्चन हर वर्ष पूछे जाते हैं। ज्योग्राफी से 22 से 25 प्रश्न काफी होते हैं, और 150 प्रश्न में अगर 22 से 25 प्रश्न हो गए तो 1/6 हो जाता है। उसकी वजह से ज्योग्राफी को आप, और ज्योग्राफी के क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो मॉडरेट लेवल के होते हैं, बहुत आसान भी नहीं होते लेकिन ऐसे होते हैं जो बन जाते हैं। तो इसलिए मुझे लगता है कि ज्योग्राफी को सीरियसली, काफी सीरियसली लेने की आवश्यकता है, लेना चाहिए। और लगभग 15 दिनों के क्लासेस में मैं आपकी ज्योग्राफी कंप्लीट करवाऊंगा। तो ज्योग्राफी के 3 पिलर्स हैं, एक इंडिया वाला पार्ट है, एक वर्ल्ड वाला पार्ट है, एक मैप का पार्ट है। मैप आप दोनों में इंक्लूड करके भी मान सकते हैं, इंडिया और वर्ल्ड में, या मैप को अलग से भी किया जा सकता है। शुरुआत करना है तो कोशिश कर रहा हूँ कि मैं इंडिया के साथ में करूँ। इंडिया के साथ में शुरू करने का सबसे बड़ा फायदा ये है कि इंडिया वाला टॉपिक जो है लेस कंसेप्चुअल है, और आपके क्वेश्चन डायरेक्ट आ जाते हैं इससे। अगर आपको याद है तो आपका बन जाएगा। दूसरी चीज़ है, इंडिया से हर कोई ठीक से फैमिलियर है, हर किसी को पता है इंडिया में कहाँ पे क्या है, कैसे है, क्या हो रहा है, और आप गाहे बगाहे बहुत ही अलग 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 कारणों से आपको पता है कि भारत का नक्शा कैसा है, कहाँ पे है, नहीं है। जो चीज़ें कम पता है उसके बारे में हम डिस्कस कर लेंगे, जिनको पहले से पता है उनका रिविजन हो जाएगा। जिन्होंने पहली बार सीखा है, मतलब पहली बार आए हैं, या फिर जिनका मतलब बेसिक थोड़ा सा कमजोर है, उनके लिए पूरा कंप्लीट हो जाएगा। 15 दिन में आपकी ज्योग्राफी निकल जाएगी UPSC 3 के लिए। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना इंडिया वाला पार्ट। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इंडिया भारत वर्ल्ड में कहाँ अवस्थित है, ठीक है। इंडिया की पोजीशन क्या है, इंडिया वर्ल्ड में, वर्ल्ड मैप कहाँ है, वर्ल्ड मैप में इंडिया कहाँ पे अवस्थित है। उसके बाद में हम धीरे धीरे उसमें आगे बढ़ेंगे, इंडिया के जो बाउंड्री हैं और बगल के नेवर्स हैं उस पर फोकस करेंगे। इंडिया के कुछ स्टेट्स को भी देखेंगे, स्पेशली नॉर्थ ईस्ट के मैप को बहुत अच्छे से समझेंगे, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट के मैप में मैं देखता हूँ कि छात्रों को जनरली दुविधा रहती है, उनको पता नहीं होता है कि कौन सा राज्य कहाँ पे है। उससे कुछ मैप रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं या कुछ बेसिक क्वेश्चन भी आ जाते हैं, तो वो छूट जाते हैं। हम उसको ठीक से कवर करेंगे, और उसके अलावा अक्षांश देशांतर जैसे जो बेसिक कंसेप्ट्स हैं ज्योग्राफी के, उसको भी टैकल करेंगे। और उसके बाद में कुछ बेसिक क्वेश्चंस जो इस टॉपिक से अभी तक पूछे गए हैं। ये सेशन लगभग आपका 1 घंटे का रहेगा। तो हम स्टार्ट करते हैं आज इंडिया से। ये देख रहे हैं, ये क्या है, आप लोगों ने इसको बहुत बार देखा होगा, अलग अलग जगहों पे देखा होगा, ये है ग्लोब, ठीक है। ग्लोब क्या है, ग्लोब बस धरती की कॉपी है, ठीक है। जैसा धरती है, जैसी पृथ्वी है, पृथ्वी के जैसा ही एक हमने ग्लोब बनाया, ताकि हम पृथ्वी का स्ट्रक्चर, पृथ्वी के कौन सा देश कहाँ पे है, और बाकी जो समुद्र हैं और जो भी चीजें हैं उसको हम ठीक से समझ सके, ठीक है। तो धरती का, पृथ्वी का शेप कैसा है, पृथ्वी का शेप है पृथ्वी की तरह, जियोइड, मतलब जियोइड का मीनिंग होता है पृथ्वी की तरह। अभी देखिए कैसा पैराडॉक्स है, किसी ने पूछा पृथ्वी का शेप कैसा है, तो पृथ्वी की तरह, मतलब जियोइड, जियोइड का मतलब पृथ्वी की तरह, ठीक है। जो भी है वो हमें तो बस मतलब नंबर से मतलब है और समझने से मतलब है। तो यहाँ पे हमें ये समझ में आ रहा है कि पृथ्वी का शेप जो है जियोइड है, गोल नहीं है, ठीक है। तो जब पृथ्वी का शेप गोल नहीं है तो कैसा है, जियोइड है, कोई कंफ्यूजन नहीं। अब देखिए ये आपके सामने में ग्लोब पड़ा हुआ है, ठीक है। अब ग्लोब में ये जो आपको लाइंस दिख रहे हैं बहुत सारे, ब्लू 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 जो ग्रिड बने हुए हैं, ये क्या है, ये है अक्षांश और देशांतर। ये किसने बनाया, क्या प्राकृतिक रूप से बने हुए, नहीं, ये किसी ने नहीं बनाया है, ये कहीं कुछ नहीं बना हुआ है, धरती अपनी अपनी जगह पे अपने जैसी है। इसको इसलिए बनाया गया जब हमारे ज्योग्राफर्स थे, जैसे मापना हुआ भारत कहाँ अवस्थित है दुनिया में, अफ्रीका कहाँ है सॉरी,
यूरोप कहाँ है या कोई भी देश कहाँ है, कोई भी समुद्र कहाँ है, हम विश्व के किस हिस्से में अभी मौजूद हैं, अगर ये सारी चीज़ें हमें पता करना हो तो हम कैसे करेंगे। तो उसके लिए कन्वेंशन निकाला गया सारे ज्योग्राफर्स के द्वारा में कि हम इसको ग्रिड पैटर्न में बांट देते हैं। जो आपको ग्रिड आपके मैप में दिख रहा है, हम उस पैटर्न में भारत को बांट देते हैं। और इसमें उन्होंने सबसे पहले क्या किया, एक ये जो लाइन आपको दिख रही है ये इक्वेटर है। इक्वेटर मतलब विषुवत रेखा है ना, इक्वेटर विषुवत रेखा। तो इसको धरती की भूमध्य रेखा भी कई बार बोल देते हैं। तो ये धरती के बीचों बीच है, ठीक है। धरती को इक्वली दो हिस्सों में बांटती है, ऊपर और नीचे। इसके साथ साथ में बहुत सारी लाइनें आपको दिख रही हैं, ठीक है। जैसे यहाँ से ये आपको दिख रहा है, ये कर्क रेखा है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और यहाँ पे ये आपको लाइन दिख रही है, ये मकर रेखा है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ठीक है, कैंसर और कैप्रिकॉर्न हो गया। ऐसे ही ऊपर में क्या है, ये जो थोड़ा सा चपटा हिस्सा है, जो अर्थ का जो शेप है वो संतरे की तरह है, जियोइड जिसको बोलते हैं, हल्का सा किनारे में चिपटा है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि धरती का शेप संतरे की तरह है। अब ऊपर में देख रहे हैं आप जो वो पोल है, यहाँ भी ये साउथ पोल है, ठीक है। अब ये नॉर्थ पोल से साउथ पोल हो गया। अब आपने लेटिट्यूड देख लिया जो धरती के साथ में आप देख रहे हैं हॉरिजेंटली है। अब वर्टिकली भी इसको बांटना था, तभी तो ग्रिड पैटर्न बनेगा, तभी तो हम सही से कैलकुलेट कर पाएंगे। तो ऐसे ऐसे करके बांट दिया गया धरती को, है ना, ऐसे कर करके बहुत सारे हिस्सों में बांट दिया गया धरती को, ये बट गया। लेकिन कौन कितना है, कौन सा कहाँ है, कितना हम बांटे, कितनी लाइनें खींचे, ये सारे चीजों पे भी तो कुछ होना चाहिए ना, परफेक्शन मतलब कोई रूल होना चाहिए जिससे हमें पता चल पाए कि क्या है। तो इक्वेटर को हमने बोल दिया ये 0 डिग्री है, इससे ऊपर जो है इधर 90 डिग्री ऊपर तक जाएगा। वैसे ही यहाँ जो नीचे है ये भी 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो टोटल कितनी अक्षांश हो गई, अक्षांश तो इनफाइनाइट है, लेकिन जब होल नंबर में हम बात करेंगे तो 90 नीचे हो गई, 90 ऊपर हो गई, एक बीच में हो गया, तो टोटल 181 अक्षांश हो गए, अक्षांश रेखाएं, ठीक है। उसके बीच में 60 मिनट होते हैं, मतलब बहुत सारे मिनट होते हैं, 1 मिनट के बीच की जो दूरी है वो 1 नॉटिकल माइल होती है, ठीक है। अब आप लेटिट्यूड देख रहे हैं, ठीक है, लॉन्गिट्यूड देखेंगे। अब हम आगे लॉन्गिट्यूड आप देख रहे हैं, लॉन्गिट्यूड में हुआ कि कितनी है, तो धरती क्या है, गोल है, गोल गेंद की तरह है। अब जो गेंद की तरह गोल है, इसमें कोई भी गोल सरफेस होता है उसमें कितने डिग्री होते हैं टोटल, जिन्होंने भी बेसिक मैथ्स पढ़ा है या जिनको जानकारी हो, हर किसी को पता है कि जब पूरा गोल स्ट्रक्चर होता है तो उसका लेंथ जो है वो, उसका जो डिग्री है वो 360 डिग्री होता है, ठीक है। मतलब कि धरती पे टोटल 307 डिग्री होंगे, है ना। तो अब जो टोटल हमारे लैटिट्यूड है उनको कितने में बांटना है, हमें उनको हमें 360 डिग्री में बांटना है। अब 360 डिग्री में बांटना है तो 0 डिग्री कहाँ रखेंगे हम, कहीं तो रखना पड़ेगा ना 0 डिग्री, नहीं रखेंगे तो फिर कैसे पता चलेगा। तो ये आपको दिख रहा है इंग्लैंड, है ना, ये इंग्लैंड का हिस्सा है, अगले मैप में ज्यादा बेटर होगा। यहाँ पे एक शहर हुआ करता था ग्रीनविच, जिसको ग्रीनविच मीन टाइम, जहां से जो रेखा गुजरती है उसको ग्रीनविच। तो जब हुआ कि हमें धरती को बांटना है और लॉन्गिट्यूड खींचना है तो कहाँ से कहाँ तक हम रखें, तो पहला किसको माने, तो ग्रीनविच में बहुत बड़ा एक ज्योग्राफी का एस्ट्रोनॉमिकल वहाँ पे रिसर्च सेंटर था जिसकी काफ़ी वैल्यू थी उस टाइम में। अंग्रेज रूल भी कर रहे थे एक तरीके से वर्ल्ड पे, तो उनके पास में मतलब वो ग्रेट लेबोरेटरी करके उनका मतलब उन्होंने रखा हुआ था ग्रीनविच में। तो लोगों को लगा कि क्यों नहीं इसी को 0 माना जाए, तो हो गया, चलो ठीक है। बाकी लोगों को कोई खास ऑब्जेक्शन था नहीं, उन्होंने इसको मान लिया कि ये ग्रीनविच से जो रेखा गुजरती है, लॉन्गिट्यूड गुजरती है, यही 0 डिग्री है, ठीक है। और ग्रीनविच से इधर हो गया पूर्व, और ग्रीनविच से इधर हो गया पश्चिम, ठीक है। तो पूर्व और पश्चिम दोनों साइड में 180 180 डिग्री हो जाएंगी, ताकि 360 डिग्री हो जाएगी। सूरज कहाँ उग रहा है, पूरब में, यहां मान लीजिए सूरज उग रहा है
है ना, सूरज की रोशनी, सूरज जो है इधर घूम रहा है और धरती घूमती जा रही है इस डायरेक्शन में, तो जो यहाँ सबसे पहला देश होगा 180 डिग्री ईस्ट पे, वहां पे सूरज की सबसे पहली रोशनी मानी जाएगी कि वहां पे सूरज उग रहा है। फिर धीरे धीरे जो है धरती घूमती जा रही है सूरज की तरफ, और पूरे दिन में 24 घंटे में एक चक्कर लगा रही है। ठीक है, ये कैलकुलेशन को थोड़ा सा समझेंगे, ये समझना बहुत जरूरी है, इसे क्वेश्चन भी आते हैं और आपको इसकी समझ होनी चाहिए, तभी आप ज्योग्राफी के बेसिक जो आगे के कंसेप्ट से उसको सही से समझ पाएंगे। ठीक है, तो टोटल दिन में कितने होते हैं घंटे, 24, उसमें कितने मिनट होते हैं टोटल, 60, मतलब 1440 मिनट हो गए दिन में। ठीक है, और ये कितना है टोटल, 360 डिग्री है ना, तो ये जब 360 डिग्री एक चक्कर पूरा धरती लगा लेता है तो पूरा 24 घंटा हो जाता है, दिन और रात कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो 24 घंटे में भारत मतलब पूरा दुनिया जो है पृथ्वी कितने मिनट में कवर करती है, मतलब कितनी डिग्री कवर करती है, 360 डिग्री, तो 1440 टोटल मिनट है और ये कवर कितने में हो रहे हैं, 360 डिग्री में, मतलब कि 4 मिनट। ठीक है ना, 1 डिग्री जब धरती मतलब घूम रही है या जब लॉन्गिट्यूड में डिफरेंस आ रहा है तो समय में कितना का अंतर आ रहा है, 4 मिनट का है। क्लियर है ये चीज, ये समझिए, ये बहुत ज्यादा जरूरी है समझने की, है ना, तो 1 डिग्री में 4 मिनट का डिफरेंस आ रहा है, टोटल 360 डिग्री है, 1440 मिनट का डिफरेंस आ रहा है, जिसको 24 घंटा हम मान लेते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे कि ये तो हो गया क्या कहते हैं 0 डिग्री और लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड सब हम समझ गए, लेकिन इसमें भारत कहाँ अवस्थित है वर्ल्ड मैप पे, है ना, वर्ल्ड मैप पे भारत कहाँ है और वहां पे क्या समय है, वहां पे मतलब ये ग्रीनविच मीन टाइम से या दुनिया के जो भी माने गए हैं उसके हिसाब से हमारे यहाँ टाइम का क्या अंतर, इस चीज को देखने के लिए। अब सबसे पहले वर्ल्ड मैप आपने देख लिया ये, अब वर्ल्ड मैप में भारत आपको कहाँ दिख रहा है, दिख रहा है भारत, भारत ये रहा आपका। ठीक है, ये क्या है भारत, ये वो क्या है, ये इक्वेटर है, आपने इक्वेटर देख लिया इसको, और ये आपने देख लिया लॉन्गिट्यूड, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा है, मानक रेखा है। तो भारत कहाँ पे है, भारत किस गोलार्ध में है, ऊपर वाले गोलार्ध में है कि नीचे वाले गोलार्ध में, तो आप देख रहे हैं ऊपर वाले गोलार्ध में, मतलब भारत उत्तरी गोलार्ध में है ना, पूरा का पूरा भारत, भारत का कोई भी हिस्सा ऐसा नहीं है जो दक्षिण गोलार्ध में है। 8 डिग्री से शुरुआत होती है भारत के जो मेन लैंड है उसकी, सॉरी, और 37 डिग्री तक जाती है जो कि पूरा का पूरा नॉर्थ में। चलो नॉर्थ, किसी ने पूछ दिया क्वेश्चन में कि भारत किस गोलार्ध में है, तो नॉर्थ में, उत्तरी गोलार्ध में, लेकिन उत्तरी में अगर क्वेश्चन एक स्टेज और आगे बढ़ा जाए कि पूरब में है कि पश्चिम में है, तो ये हम देख रहे हैं कि ये 0 डिग्री है, ये समय अंतर्राष्ट्रीय समय मानक रेखा ग्रीनविच मीन टाइम है, इससे हम पूरब की तरफ इस साइड में, तो भारत कहाँ अवस्थित है, उत्तर पूर्व में, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट में, विश्व के किस गोलार्ध में है, नॉर्थ ईस्ट में। अब हम अगले टॉपिक पे जाएंगे, आप वही मैप देख रहे हैं, ये थोड़ा ज्यादा स्पष्ट मैप है, इसमें आपको फिर यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, उसके अलावा अब अगला जो हमारा ये है, अगला जो हमारा है कि चलो हम दुनिया तो देख लिए, दुनिया में भारत किस महादेश में है स्थित है, तो भारत एशिया महादेश में है। अब यूरोप के मैप में आपने देखा, ये पूरे वर्ल्ड के मैप में आपने देखा कि एशिया कहाँ पे है, एशिया जैसा कि आपको दिख रहा है ये देखिए, ये एशिया है ना। अब इसमें ये मत बोल देना कि सर आपने उस देश को तो छोड़ ही दिया, ये एक रफ आपको लाइन खींच दी गई है, ये सारे जो कंट्रीज हैं वो एशिया की कंट्रीज हैं। ठीक है, तो हम भारत में पहुंचने से पहले हम एशिया को देखेंगे, फिर हम आएंगे भारत पे। देख लीजिए ये आपका एशिया का मैप है, एशिया के मैप में आपको जैसा कि दिख रहा है
कुछ बड़े बड़े कंट्री हैं, रशिया का बहुत बड़ा हिस्सा जो है एशिया में है, चाइना है आपको दिख रहा है, कजाकिस्तान भी विश्व के बड़े देशों में आता है, ईरान है, पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, सऊदी अरबिया है, और भी बहुत सारे छोटे छोटे देश हैं। टोटल 48 देश बोले जाते हैं यूएन के द्वारा, और इसकी साउथ ईस्ट एशिया है और इधर भारत। अब आपका आज का टास्क है कि ये जो कंट्रीज हैं जिसको सेंट्रल एशियन कंट्रीज कहते हैं, ये इतना है ना, पांच कंट्री हैं इसमें जो रसिया से आज़ाद हुए थे, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान। मैंने पांचों आपको बता दिए हैं, लेकिन पांचों की अवस्थिति कौन कहाँ पे अवस्थित है, कौन उत्तर है, कौन दक्षिण है, कौन दाएं है, कौन बाएं है, आपको देखना है, उसकी राजधानी क्या है। इन क्षेत्र से रेगुलरली क्वेश्चन आते हैं, तीन क्षेत्र हैं एशिया के जिससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं मैप के, पहला ये हो गया। दूसरा आपको वेस्ट एशिया या मिडिल ईस्ट का आपको मैप देखना है ना, कि कौन सा देश कहाँ पे है, कहाँ जॉर्जिया है, कहाँ आर्मेनिया है, कहाँ अजरबैजान है। आर्मेनिया अजरबैजान में अभी कुछ समय साल पहले ही, साल दो साल पहले ही युद्ध हुआ था। सीरिया कहाँ पे है, इराक कहाँ पे है, इसराइल कहाँ पे है, इजिप्ट का कौन सा हिस्सा एशिया में है, सऊदी अरबिया, यमन, ओमान, कतर वगैरह जो भी देश हैं, इसको एक बार आपको मैप में खुद से देखना है, ठीक है। ये इस इलाके को आप देख लें, उनका कैपिटल भी देख लें। उसके अलावा एक साउथ ईस्ट एशिया का जो हिस्सा है, ये जो कंट्रीज है ना, जो आसियान कंट्रीज हैं, उसको भी आप मैप में देखें कि कौन सी कंट्री कहाँ पे अवस्थित है, ठीक है। ये आज का हमारा विषय नहीं है, हम मैप में सारी चीज़ें करवाएंगे, लेकिन आप देखते जाएं ताकि आप मैप से अपने आप को अपडेट करते रहें, ठीक है। तो अब ये जब हम एशिया में आ गए, तो अभी भी इंडिया पे नहीं आए, अब हम आएंगे इंडियन पेनिनसुला पे, इंडियन उपमहाद्वीप, ठीक है। उपमहाद्वीप बोला जाता है भारत को, क्योंकि इतना बड़ा हिस्सा है कि इसमें बहुत सारे देश आ जाते हैं। तो अब इंडिया का उपमहाद्वीप वाला जो हिस्सा है आपके सामने है, इसमें भारत के जितने भी पड़ोसी देश हैं वो आपको दर्शाए गए, ठीक है। तो इसमें सिर्फ उपमहाद्वीप ही नहीं है, वो देश भी हैं, भारतीय उपमहाद्वीप ही नहीं है, वो देश भी है जो इंडिया के पड़ोसी देश हैं। अब देख लीजिए, सबसे पहला पड़ोसी के नाम पे कौन याद आता है हमें, पाकिस्तान, ठीक है। दूसरा अफगानिस्तान है पड़ोसी, तीसरा हमारा पड़ोसी चाइना है, बहुत ही बड़ा देश है और इसकी बाउंड्री भी आप देख रहे हैं काफ़ी बड़ी है, ठीक है। उसके बाद में नेपाल है, भूटान है, बांग्लादेश है, म्यांमार है, और समुद्री बाउंड्री जो है पाक स्ट्रेट के थ्रू श्रीलंका के साथ में, ये इतने देश हमारे साथ में हैं, ठीक है। तो इसमें अब एक चीज आपको गौर करने वाली बात है, जो फैक्चुअली जानते हैं उनको पता है, जो नहीं जानते हैं वो इस चीज को गौर कीजिएगा, शायद आपसे गलती हो जाएगी देखने और समझने में, जबकि रियलिटी कुछ और होगी। क्या आप देखेंगे, आप बताइए कि किस देश के साथ में भारत की बाउंड्री जो है सबसे बड़ी है। आपको देखने में लग रहा होगा कि ये देखिए चाइना जो है यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ तक जा रहा है ना, तो चाइना का तो बाउंड्री बहुत बड़ा होगा भारत के साथ में, है भी, लेकिन क्या वो सबसे बड़ा है। पाकिस्तान यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ तक जा रहा है, तो पाकिस्तान की बाउंड्री बहुत बड़ी है, तो शायद दूसरे नंबर पे पाकिस्तान होगा, लेकिन नहीं, ठीक है। यहाँ पे सबसे बड़ी बाउंड्री जो है भारत की किसकी है, बांग्लादेश के साथ, किसके साथ में, बांग्लादेश के साथ में। ये जो बाउंड्री है ये 4096 किलोमीटर लंबी है, देखने में छोटी लग रही हो लेकिन लंबी है। उसका रीजन क्या है, इसने हर तरफ से घेरा हुआ है भारत को, बहुत टेढ़ी मेढ़ी भी लाइन है, कटी फटी लाइन है, और हर तरफ से घेरा हुआ, इसकी वजह से इसकी लंबाई ज्यादा हो जाती है। दूसरे नंबर पे कौन है, चीन है, 3488 किलोमीटर। इसमें चीन और भारत के बीच में जो रेखा है अक्सर पूछा जाता है, उसको क्या नाम है, उसका क्या नाम है, उसका नाम मैकमोहन है, जो कि यहाँ भूटान, चीन और अरुणाचल प्रदेश अपना है यहाँ पे, तो उसके साथ में बाउंड्री स्टार्ट होती है, और वो कहाँ पे जाती है, खत्म होती है, वो म्यांमार, इंडिया और अरुणाचल प्रदेश, इन तीनों का जो बॉर्डर है वहां पे इसुराजी पास है, इसुराजी पास, ठीक है, वहां पे जाके खत्म होती है। ये क्या है, मैकमोहन रेखा, ठीक है। पाकिस्तान के साथ और बांग्लादेश के साथ भारत की कौन सी रेखा है, तो बांग्लादेश तो आज बांग्लादेश है,
कल तो पाकिस्तान ही था, 1971 वार के बाद में उनको लिबरेट किया गया, वो अलग देश बने अपनी। ठीक है, तो जब पाकिस्तान और भारत का बंटवारा हो रहा था आज़ादी के टाइम में, तो सर रेडक्लिफ को ये जिम्मेदारी दी गई थी कि आप भारत और पाकिस्तान की सीमा रेखा खींचे। उन्होंने खींचा और इसलिए इस लाइन को, ये जो यहाँ से आपको दिख रही है, ये यहाँ तक है, कश्मीर में नहीं है। रेडक्लिफ लाइन जो है कश्मीर में नहीं है, ये यहाँ पे है, क्योंकि यहाँ पे तक का मतलब हुआ था, ये कश्मीर था उस समय, और ये बांग्लादेश है, बांग्लादेश की भी रेडक्लिफ लाइन है। ठीक है, अब इंडो मतलब बांग्लादेश बॉर्डर ही मेनली बोल देते हैं, और ये रेडक्लिफ लाइन जो है यहाँ पे आपको जैसा कि दिख रहा है, तो पाकिस्तान का 3323 किलोमीटर है। और उसके बाद में अब हम देखेंगे नेपाल का। ठीक है, नेपाल आपके सामने है। नेपाल इन देशों में चौथे नंबर पे है जिनकी सीमा रेखा भारत के साथ बनती है। ये यहाँ से शुरू होती है और ये चिकन नेक वाले हिस्से से यहाँ पे सिक्किम के पास में जाके खत्म हो जाती है। ठीक है, इसकी टोटल कितनी है, 1751 किलोमीटर। इसके बाद में म्यांमार है, म्यांमार यहाँ पे स्टार्ट होता है और यहाँ पे ऐसे ऐसे खत्म होता है। इसकी लंबाई कितनी है, 1643 किलोमीटर। उसके बाद में भूटान है, छोटा सा प्यारा सा देश है, बड़ा खुश देश है। इसकी जो भारत के साथ में बॉर्डर है वो 699 किलोमीटर की है। उसके बाद में अफगानिस्तान है, यहाँ आप देख रहे हैं, ये जो लाइन है इसको डुरंड रेखा बोलते हैं। पाकिस्तान और अफगानिस्तान मतलब पाकिस्तान और भारत कह लें, उसके बीच में जो रेखा हुआ करती थी, फिर पाकिस्तान बन गया, तो वो हिस्सा नहीं, पाकिस्तान इंडिया और अफगानिस्तान के बीच में जो रेखा हुआ करती थी उसको डुरंड लाइन का नाम दिया गया था, है ना। तो यहाँ पे वो लाइन आपको दिख रही है, और फिर पाकिस्तान बन गया, तो ये रेखा मुख्यतः पाकिस्तान में रह गई। आज के डेट में 106 किलोमीटर यहाँ पे है जो भारत और अफगानिस्तान के बीच में बाउंड्री है, हालांकि ये भी पीओके में है। उसके अलावा यहाँ पे आपको एलओसी दिख रहा होगा, है ना, यहाँ आपको एलएसी दिख रहा होगा। एलएसी किसके साथ में है, चाइना के साथ में। एलओसी किसके साथ में है, पाकिस्तान के साथ। एलओसी के आगे का भारत का हिस्सा जो है उसको पीओके बोलते हैं आज के समय में, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर। एक देश यहाँ श्रीलंका भी है। ठीक है, इसके साथ में हमारी लैंड बाउंड्री नहीं है, समुद्र के द्वारा है, पाक स्ट्रेट के द्वारा, हमारा पाक जल संधि के द्वारा, ये हम इनके बीच में, हमारे बीच में जो बाउंड्री है बनती है। अब आएंगे हम भारत पे। अभी तक हमारा एक्स्ट्रा टॉपिक चल रहा था, अब हमारा भारत आएगा। ठीक है, तो जैसा कि आप देख रहे हैं, और कॉन्स्टिट्यूशन का सबसे पहला लाइन हमारा पहला आर्टिकल किया है, इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स। भारत मतलब इंडिया संघों का यूनियन है ना, ये आप जान रहे हैं। तो ये आपके सामने में जितने स्टेट्स हैं इंडिया के उसका मैप दिया गया है। ठीक है, इस मैप में ये भी लिखा हुआ है कि कौन सा स्टेट किस वर्ष में बना था। ठीक है, तो आप देख लीजिए, लद्दाख जो है आपका नया यूटी है, उसके बाद में जम्मू कश्मीर जो है आपका नया यूटी है, दादर नागर और दमन द्वीप को मिलाकर एक यूटी बना दिया गया है। तो वो दादर नागर और दमन द्वीप कहाँ पे है, ये यहाँ पे है दमन द्वीप, और ये दमन द्वीप और ये दादर नागर। ठीक है, आपको दिख रहा है, इन दोनों को मिलाकर एक यूटी बना दिया गया। उसके अलावा में और भी इंडिया का मैप को आप देखें एक बार, कौन सा राज्य किसके साथ में पड़ोसी है, ये चीजें जब आप देखोगे मैप में, तो इसका फायदा ये होगा ना कि मैप जो आपके दिमाग में बस जाएगा। आप देखो कि मध्य प्रदेश के चारों तरफ कौन कौन राज्य हैं, महाराष्ट्र किसको किसको टच करता है, आंध्रा किसको किसको कहाँ पे कितना कितना टच करता है। तो इस तरीके से जब आप मैप को देखोगे तो मैप के आपकी पकड़ बनेगी, आपका बहुत अच्छे से उस पर कंट्रोल बढ़ेगा, और उसके बाद में क्या होगा कि आपको समझ में आ जाएगा कौन सा शहर, कौन सा राज्य, कौन सा जगह कहाँ पे टच कर रहा है, कौन से जंगल, कौन से पहाड़ कहाँ पे है। वो चीज़ें आपको अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छे से बनेगी। एक जो बड़ा दिक्कत होता है बच्चों को समझने में, वो है नॉर्थ ईस्ट का मैप। तो आज मैं नॉर्थ ईस्ट का आपका मैप भी थोड़ा ठीक से करवा देता हूँ, ताकि आपको ये याद हो जाए हमेशा के लिए कि कौन सा राज्य कहाँ पे है नॉर्थ ईस्ट में। ठीक है, आज इस तरीके से बताया जाएगा आपको कि नॉर्थ ईस्ट आप दोबारा नहीं भुलाओगे। सबसे पहले नॉर्थ ईस्ट में देखते हैं क्या है, अरुणाचल प्रदेश। नॉर्थ ईस्ट जब बना था तो कंप्लीटली एक राज्य हुआ करता था जिसका नाम था असम, ये आपको दिख रहा है। ठीक है, उसके बाद में धीरे धीरे अलग अलग राज्य टूट टूट कर बनते रहे असम से। तो सबसे जो मतलब असम के बाद दूसरा बड़ा राज्य, मतलब असम और अरुणाचल दो बड़े राज्य हैं वहां पे, तो अरुणाचल प्रदेश जो है उसका
क्या कहते हैं, नाम क्या है, अरुणाचल। तो ठीक है, नाम से ही पता चल रहा है, अरुण, अरुण मतलब सूर्य, मतलब ये जहाँ सूर्य सबसे पहले भारत में आता हो, तो ईस्टर्न मोस्ट जो हिस्सा है वो कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश में है, जैसा कि आप देख रहे हैं। ठीक है, ये नॉर्थ ईस्ट के भारत के तो ईस्टर्न मोस्ट है ही, नॉर्थ ईस्ट का नॉर्दर्न हिस्सा है अरुणाचल। आपको याद रखिएगा, भारत का सबसे पूर्वी हिस्सा अरुणाचल प्रदेश। अब अरुणाचल के नीचे मतलब सूरज के नीचे क्या है, नाग आराम से लेटा हुआ है, नागालैंड। ठीक है, नागालैंड आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये वाला जो नागालैंड है, तो ये क्या है, सूरज के नीचे में, अरुण के नीचे में आराम से लेटा हुआ है, अरुणाचल प्रदेश के नीचे में नागालैंड। नागालैंड मैं रहा हुआ हूँ वहाँ पे, बड़ा यूनिक कल्चर है वहाँ पे। वहाँ पे क्या कहते हैं, 16 अलग अलग ट्राइब्स हैं, सबके अपने लैंग्वेज अलग है, सबका अपना कल्चर अलग है, खाना पीना अलग है। और एक जो बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, मैं आपको नागालैंड के बारे में बताता हूँ। हमारे आपके यहाँ कोई बच्चा जवान हो गया, इसके क्या पैरामीटर्स हैं, वो अपने पैरों पे खड़ा हो गया, उसने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली, उसने क्या कहते हैं कोई अच्छी नौकरी पा ली, उसकी शादी हो गई, और इस तरह के जो भी फैक्टर्स हैं, मतलब कुछ उसके आधार पे माना जाता है कि बच्चा जवान हो गया। भाई नागालैंड में कैसे मानते हैं बच्चा जवान हो गया? तो नागालैंड में ये रूल था, अभी तो नहीं, अब तो चीज़ें खत्म हो रही हैं, बदल रही है दुनिया तेजी से। नागालैंड में था कि जब आप अपने पड़ोसी मतलब अपने दूसरे ट्राइब के किसी भी दूसरे ट्राइब से किसी का सर काट के जब ले आओगे, तब माना जाएगा बच्चा जवान हो गया। ठीक है, एडल्टहुड का यही पैरामीटर था वहां पे। अब चीजें बदल रही है, 1947 के बाद में हेड हंटिंग ऑलमोस्ट खत्म हो गई है वहां पे, लेकिन बाकी जो अपने वहाँ 16 ट्राइब्स हैं उनके बीच में अभी भी काफ़ी क्या कहते हैं क्लैशेज हो जाते हैं, अक्सर हो जाते हैं, अब काफ़ी कम हुआ है। तो सबसे पहले जो नॉर्थ ईस्ट में पहला राज्य बना असम से लोगों के, वो नागालैंड बना। अब नाग क्या है, नाग ने अपने अंदर में मणि को छिपा के रखा हुआ है। ठीक है, नाग के नीचे मणि, तो मणिपुर हो गया। ठीक है, मणिपुर का लोकतक लिए काफ़ी फेमस है, वो चारों तरफ पहाड़ियों से घिरा हुआ है, बड़ा सुंदर लेक है वहाँ पे, कैबुल लामजो पार्क है वहाँ पे, फमीडो करके वो द्वीप बन जाते हैं छोटे छोटे। उसके अलावा वहाँ पे क्या कहते हैं, हिरण है, वहाँ के यूनिक हिरण है जो वहीं पे सरवाइव करते हैं इंडिजिनस है उस लोकेशन के, तो मणिपुर मेनली इसलिए फेमस है। ठीक, उसके अलावा मणिपुर में कृष्ण जी की रुक्मणी का बोला जाता है कि वहीं वहीं की थी वो, और अभी भी लोग जो हैं वहाँ पे उस कल्चर को फॉलो करते हैं, कृष्ण और रुक्मिणी से रिलेटेड। उसके अलावा आप देख रहे हैं मणिपुर के नीचे में एक मिजोरम है, ये आपको याद करने की जरूरत पड़ेगी। मिजोरम, मिजोरम जो है ये इन नॉर्थ ईस्ट में भी सबसे अलग है। ये जो ट्राइब्स हैं वंस अपॉन अ टाइम इनका जेनेटिकली शायद आपस में एक रहे होंगे, लेकिन मिजोरम जो है ये एकदम अलग ट्राइब है। ठीक है, मिजोरम का के लोग जो हैं, मिजो लोग जो हैं, वो वंस अपॉन अ टाइम बर्मा साइड से आए हैं और ये इधर बसे हुए हैं, इनको उधर भी आपस में काफ़ी कम मतलब रहता है। मिजोरम के जो शहर हैं, मिजोरम के जो लोग हैं काफ़ी पढ़े लिखे हुए हैं, काफ़ी एजुकेटेड हैं। आप जब मिजोरम जा रहे होंगे, किसी जंगल पहाड़ी के बीच से गुजर रहे होंगे, कहीं छोटा सा खेत होगा, उसमें कोई बूढ़ी सी औरत होगी, वो अखबार लेके पढ़ रही होगी। तो एजुकेशन का लेवल उनके यहाँ ये है कि उसका सिर्फ बेनिफिट और मतलब हम पैसे कमाने के लिए नहीं पढ़ते, लोग वहाँ पढ़ते हैं, उनका इंटरेस्ट है। अब समझ लीजिए कोई बूढ़ी औरत जो है खेत के बीच में, उसके पास पता नहीं खाने का होगा कि नहीं होगा, लेकिन वो अखबार लेके पढ़ रही होगी। उनके आप जाएंगे उनके शहर में, तो उनका शहर में जाओगे आप तो देखोगे लोग टाई कोट वगैरह पहन के घूम रहे हैं आमतौर पर, जैसे हमारे यहाँ मार्केट में घूमते हैं तो नॉर्मली कोई कुछ भी पहन के घूम रहा होता है, तो उनके यहाँ इस तरीके से लोग रहते हैं। तो वो थोड़ा आपको बहुत साफ सुथरा रखते हैं, आपको देख के लगेगा कि अरे मतलब ये, मतलब कई बार लोगों को लगता है कि हम यूरोप में आ गए हैं, इनकी मतलब जो जीने की शैली है उसको देख के। तो आपने अभी देख लिया अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल के नीचे नाग, नाग के नीचे मणि, मणिपुर के नीचे मिजोरम, जो कि म्यांमार और बांग्लादेश दोनों के साथ बॉर्डर करने वाला भारत का एकमात्र राज्य। उसके बाद अगला स्टेट है त्रिपुरा, जैसा कि नाम से ही त्रि, त्रि मतलब तीन तरफ से बांग्लादेश। ठीक है, आप ये देखिए, ये ऐसा मैप है ना इसका शेप, तो इसकी वजह से ये तीन तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, पहले क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है, और ये चीज देखने से ही आपको, मैप देखने से ही समझ में आएगा। ठीक है,
त्रिपुरा के अलावा एक बच गया मेघालय। मेघालय क्या है? मेघों का घर है ना, मेघों का घर। तो दुनिया के जो सबसे ज्यादा वर्षा वाले क्षेत्र हैं वो मसिनराम, चेरापूंजी, ये सारे जो दो चार लोकेशन है सब यहीं के यहीं पाए जाते हैं मेघालय में। ठीक है, इसका कैपिटल शिलोंग काफी खूबसूरत जगह है, मिनी स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड बोल देते हैं लोग इसको, घूमने के लिए और ऐसी चीजों के लिए आप प्लान कर सकते हैं कभी भी। ये हो गया मेघालय। उसके अलावा आपके पास में असम है, असम से ही सारे टूटे हैं और असम सबको टच करता है। ठीक है, इसी वजह से बहुत स्टेट के साथ में इसका सीमा विवाद भी है। अभी आपने सुना होगा कि मिजोरम और असम के बॉर्डर पर क्लैश हो गया था, बस मुश्किल से साल भर पहले की भी बात नहीं है, है ना। तो ये आपने नॉर्थ ईस्ट का मैप देखा आज। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब भारत का हम भौगोलिक विस्तार देखेंगे कि भारत कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है, उसका क्या मतलब है, वो कितने किलोमीटर के, कौन सा पूर्वी हिस्सा है, कौन सा पश्चिमी हिस्सा है, कौन सा उत्तरी हिस्सा है, कौन सा दक्षिणी हिस्सा है। अब भारत का आप ये मैप देख रहे हैं, ठीक है, ये भारत का जो क्या कहते हैं सबसे सदर्न मोस्ट टिप है मेन लैंड का, क्या है, कन्याकुमारी। ये 8 डिग्री 4 मिनट से स्टार्ट होता है, ठीक है। और भारत का जो सबसे उत्तरी हिस्सा है, उत्तरी क्या है इसका नाम, इंदिरा गोल, ये सियाचिन ग्लेशियर में है, कराकोरम रेंज में, इसका क्या है 37.6 डिग्री नॉर्थ। ठीक है, तो भारत का ये लेटिट्यूडनल विस्तार हो गया। अब लॉन्गिट्यूडनल विस्तार क्या हो गया, भारत का जो 68.7 से, ठीक है, ये कहाँ पे है, ये कच्छ डिस्ट्रिक्ट में है, गुजरात में, रण ऑफ कच्छ का हिस्सा, मैं यहाँ भी रहा हुआ हूँ, ये रण ऑफ कच्छ का हिस्सा है, द ग्रेट रण ऑफ कच्छ। तो यहाँ से ये इसका जो नॉर्दर्न विस्तार, पश्चिमी विस्तार है भारत का, शुरुआत होता है 68.7 ईस्ट। और ये नागा, ये अरुणाचल प्रदेश सबसे पूर्वी हिस्सा है, अरुण अरुणाचल सबसे पूर्व, ठीक है। तो ये यहाँ पे 97.25 में जाके खत्म होता है। तो भौगोलिक विस्तार फिर से एक बार आप याद करेंगे, 8 डिग्री 8.43 नॉर्थ से 37.63 नॉर्थ तक, ठीक है। और क्या कहते हैं ईस्ट कितना है, 68.7 से 97.25 तक, क्लियर है, ठीक है। अब नॉर्दर्न पोस्ट मोस्ट पॉइंट क्या है, काराकोरम रेंज है इंदिरा कोल का, सियाचिन ग्लेशियर में, स्पष्ट है। सबसे पूर्वी बिंदु क्या है, यह है किबुथुका। किबुथुका क्यों थूका, याद रखने के लिए, किबुथुका क्यों थूका, ठीक है। छोटा शहर है अरुणाचल प्रदेश का, जो इंडिया का सबसे पश्चिम पूर्वी हिस्सा है, ठीक है, पश्चिमी हो गया। अब दक्षिणी, सबसे दक्षिणी क्या है, ये जो अंडमान निकोबार आपको दिख रहा है, इसका जो ये हिस्सा है, ठीक है, इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट जो सुनामी में डूब गया था, फिर जो नया इंदिरा पॉइंट निकला, उस जो नया जो लास्ट पोजीशन रहा अभी भी उसके बाद भारत का, उसको भी नाम दे दिया गया इंदिरा पॉइंट, ठीक है। और मेन लैंड का जो है वो क्या है, वो सबसे दक्षिणी हिस्सा है, ये है कन्याकुमारी। ये इतना हो गया, ये आपने देख लिया भारत के पास कितनी मतलब टोटल जमीन है, भूमि भूमि सीमा कितनी है। एक पैराडॉक्स और यहाँ पे देखिए, ये रहा भारत का मैप आपके सामने, ऐसे ऐसे दिख रहा है आपको, ऐसे ऐसे दिख रहा है, ऐसे ये जो है भारत का ये मैप है, क्या कहते हैं, भूमि सीमा है, और ये जो है समुद्री सीमा है। देखकर क्या लग रहा है कि भूमि सीमा और समुद्री सीमा लगभग बराबर होंगी जैसा आपको दिख रहा है इसमें मैप में, लेकिन नहीं, भारत की जो भूमि सीमा है वो यहाँ से स्टार्ट हो रही है और यहाँ ऐसे ऐसे घूमते 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 ये हो जा रही है 15,100 समथिंग किलोमीटर, ठीक है, 15,200 भी बोल देते हैं मतलब जल्दी में। और भारत की जो समुद्री सीमा है ये सारा हो गया, ठीक है। उसके अलावा जितने ये द्वीप हैं अंडमान निकोबार और ये जो लक्षद्वीप है, ठीक है, इसके जो द्वीप हैं लक्षद्वीप यहाँ तक, तो ये जो द्वीप है ये सारे द्वीप को भी अगर जोड़ दें, उसकी सीमा भी समुद्र के साथ जोड़ दें, तब भी वो होता है 7,716, कितना 7,716, और भारत का टोटल कितना है 15,100, ठीक है। तो दुगना लगभग हो जाता है जो समुद्री सीमा है उसका, लगभग दुगना है जो सीमा भूमि सीमा है भारत की,
ठीक है, और अगर इन द्वीपों को हटा दिया जाए तब तो वो 6,000 किलोमीटर के आसपास है मात्र, तो उसके मतलब 2.5 गुना ऑलमोस्ट हो जाता है समुद्री सीमा जो मेनलैंड का और भारत की भूमि से। ठीक है, ये चीज़ स्पष्ट हो गया, मुझे लग रहा है आपको स्पष्ट हो गया है। आप अब अगले टॉपिक पे हम आएंगे। अगला टॉपिक है भारत का, जो हमने देख लिया था कि कौन कौन से पड़ोसी देश हैं हमारे। अब हम इस चीज़ में देखेंगे कि भारत के किस पड़ोसी देश के साथ में हमारा कौन सा राज्य लगता है। इसी दौरान मैं आपको एक चीज़ और बता दूंगा, मैं BSF में रहा हूँ, असिस्टेंट कमांडेंट रहा हूँ, आपको भी पता है, मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था आपको। तो मुझे भारत के विभिन्न सीमाओं पर काम करने का मौका मिला, मैं सीमा सुरक्षा बल में काम करता था। सीमा सुरक्षा बल जब बना था तो उसका उद्देश्य था पाकिस्तान के बॉर्डर को के साथ में गार्डिंग करना। ठीक है, तो पाकिस्तान की बॉर्डर जो है कहाँ पे है, ये है पाकिस्तान, और उस समय बांग्लादेश भी पाकिस्तान हुआ करता था। तो ये बॉर्डर जो हो गया और ये जो बॉर्डर हो गया, यहाँ पे कौन सी फोर्स है, सीमा सुरक्षा बल BSF। ठीक है, अब दूसरा बॉर्डर हो गया यहाँ जो चाइना वाला, आप देख रहे हैं चाइना का बॉर्डर काफी बड़ा है, यहाँ पे कौन सी फोर्स है, IGBP, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस। ठीक है, ITBP यहाँ पे गार्ड कर रही है चाइना बॉर्डर के साथ में, नेपाल और भूटान के साथ में नहीं, नेपाल और भूटान के साथ में जो बॉर्डर बन रहा है हमारा, ये आप देख रहे हैं, और भूटान, ये क्या है, SSB, सशस्त्र सीमा बल। ठीक है, वो उसके साथ में गार्ड कर रही है। उसके बाद में एक हमारा बॉर्डर जो है अफगानिस्तान बॉर्डर के लिए भी हमारी कोई फोर्स नहीं है। आपके पास में जो अलग सा ये बॉर्डर है म्यांमार का, इसके लिए इसको मेनली डोमिनेट कर रहा है असम राइफल। ठीक है, पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ में BSF, चाइना के साथ में मतलब तिब्बत के साथ में ITBP, नेपाल और भूटान के साथ में SSB, अफगानिस्तान के साथ में कोई फोर्स नहीं, म्यांमार के साथ में असम राइफल, ये इतने सारे फोर्सेज हैं जो बॉर्डर गार्ड कर रहे हैं भारत में। ठीक है, अब मुझे यहाँ गुजरात में रण ऑफ कच्छ में भी रहने का मौका मिला, बाड़मेर में भी रहने के, रेगिस्तान में भी रहने का मौका मिला, यहाँ पे LOC में भी रहने का मौका मिला, और इधर नागालैंड में भी रहने का मौका मिला। आई वॉज लक्की इनफ कि मैंने भारत के एक्सट्रीम लोकेशंस देखे हैं। तो अब हम देखेंगे कि पाकिस्तान के साथ में भारत की बाउंड्री क्या है। अब हम देखने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, ऊपर से चलेंगे। सबसे ऊपर में क्या है, आज के डेट में लद्दाख, पहले जम्मू कश्मीर था, स्टेट था, आज लद्दाख यूटी है। लद्दाख के नीचे में क्या है, लद्दाख के नीचे में हमारे पास में है जम्मू एंड कश्मीर यूटी। ठीक है, दो हो गए, तीसरा क्या है उसके नीचे, फिर पंजाब जो पाकिस्तान के साथ बाउंड्री बना रहा है, चौथा क्या है हमारा राजस्थान, पांचवा क्या है गुजरात। तो हमारे पांच टोटल स्टेट हैं जो पाकिस्तान के साथ में बाउंड्री बना रहे हैं, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात। ठीक है, ये पांच खत्म। अब हम बात करेंगे दूसरे अफगानिस्तान की, अफगानिस्तान कहाँ है, ये लद्दाख में पूरा का पूरा। उसके अगला हम बात कर रहे हैं चाइना की, चाइना कहाँ पे है, चाइना है, चाइना बॉर्डर के साथ में लद्दाख है, हिमाचल प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश के नीचे में उत्तराखंड है, फिर बहुत बड़ा हिस्सा नेपाल से कवर हो जाता है। ठीक है, तो उसमें हमारा नहीं है कुछ भी। फिर उसके बाद में सिक्किम है, सिक्किम के बाद में लास्ट में अरुणाचल प्रदेश। तो कौन कौन से हो गए, लद्दाख हो गया, हिमाचल हो गया, उत्तराखंड हो गया, सिक्किम हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, ये पांच हो गए चाइना के साथ में। नेपाल के साथ में क्या है, नेपाल के साथ में उत्तराखंड है, उत्तराखंड में इलेक्शन है इस अभी कुछ समय में होने वाला है, 2-4 दिनों में। यूपी है, ऑब्वियसली हमारा यूपी तो है ही नेपाल के साथ में, बिहार भी है, हर कोई जानता है, और ये जो आप देख रहे हैं चिकन नेक वाला हिस्सा, चिकन नेक गर्दन किसकी, मुर्गे की। ठीक है, ये बहुत पतला सा है इसलिए इसको चिकन नेक बोला जाता है, डिस्टेंस यहाँ पे बहुत कम है इसलिए इसको चिकन नेक बोल दिया जाता है, और उसके अलावा सिक्किम है। तो ये सारे जो राज्य हैं वो किसके साथ में है, नेपाल के साथ में, भूटान के साथ में, भूटान के साथ में सिक्किम है, वेस्ट बंगाल आपको दिख ही रहा है, उसके अलावा असम है और अरुणाचल प्रदेश, चार है। नेपाल के साथ में क्या क्या हो गया, उत्तराखंड हो गया, यूपी हो गया, बिहार हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, और साथ में सिक्किम हो गया। भूटान के साथ में क्या हो गया, याद करेंगे, ऐसे नहीं मतलब मैं बोलते जा रहा हूँ और उसको मंत्र की तरह आप भूलते जा रहे हैं। ठीक है, सिक्किम है, वेस्ट बंगाल है, असम है, अरुणाचल प्रदेश है। ठीक है, अब हमारा जो बच गया दो देश, एक म्यांमार, एक बांग्लादेश। म्यांमार के साथ में हमारा क्या क्या है,
म्यांमार के साथ में हमारा अरुणाचल प्रदेश है, अरुणाचल के नीचे नाग नागालैंड, नाग के नीचे मणि मणिपुर, मणिपुर के नीचे ये क्या कहते हैं मिजोरम। तो ये चारों जो स्टेट है ये म्यांमार के साथ में है। उसके बाद में जो देश बच गया हमारा बांग्लादेश, बांग्लादेश के साथ में हमारा सबसे ज्यादा बड़ा बॉर्डर वेस्ट बंगाल का है, नाम ही है उसी से लगे हुए हैं बंगाल और बांग्लादेश, ठीक है। उसके बाद में असम का बॉर्डर दो जगह टच करता है अलग अलग जगहों से, ठीक है, मेघालय है और त्रिपुरा है। उसके अलावा आखिरी जो है मिजोरम, जो म्यांमार और बांग्लादेश दोनों के साथ में बॉर्डर बनाता है। तो ये बांग्लादेश के साथ में क्या क्या है, वेस्ट बंगाल है, असम है, मेघालय है, त्रिपुरा है और मिजोरम है, ठीक है। सारे स्टेट्स हमने देश देख लिए जिसके साथ में जिसका बाउंड्री बनता है। ये बड़ा कॉमन और बड़ा सिंपल टॉपिक है, ये भारत का मैप है, आप देख रहे हैं यहाँ पे मैप में क्या कहते हैं कर्क रेखा आपके आंख के सामने से गुजरा हुआ है पीले कलर में डॉटेड लाइन में, ठीक है। तो ये जो है अब आप देख रहे हैं इसके ऊपर और इसके नीचे भारत लगभग बराबर दो हिस्सों में विभाजित हो जाता है, ठीक है। और ये जो कर्क रेखा है जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है इसके ऊपर के हिस्से को शीतोष्ण कटिबंध बोलते हैं, ठीक है, टेम्परेट जोन। इसके नीचे का जो हिस्सा है उसको उष्ण कटिबंध बोलते हैं, ठीक है, ट्रॉपिकल ट्रॉपिकल जोन है, ठीक है। तो भारत का जो ये है, भारत क्या है, न शीतोष्ण में है न उष्ण में है, भारत दोनों में है, ठीक है। कर्क रेखा भारत के लगभग बीचों बीच गुजरती है, ओके। अब इसके बाद में कौन कौन से राज्य हैं जो कर्क रेखा से होकर गुजरते हैं, यही है ना। इसके लिए हमारा बहुत पुराना फॉर्मूला है, बहुत लोग जानते भी होंगे, मित्र पर गमछा झाड़, मित्र पर गमछा झाड़, इसको याद रखेंगे, ठीक है। अब मित्र पर गमछा झाड़ में क्या क्या हो गया, मिजोरम मित्र, मिजोरम त्र त्रिपुरा, ठीक है, प पश्चिम बंगाल, र राजस्थान, ग गुजरात, म मध्य प्रदेश, छ छत्तीसगढ़, झार झारखंड, मित्र पर गमछा झाड़, ठीक है। फिर से एक बार मेरे साथ बोलेंगे, मी फॉर मिजोरम, त्र फॉर त्रिपुरा, पर में प से पश्चिम बंगाल, र से राजस्थान, पर गमछा, गमछा का ग से गुजरात, म से मध्य प्रदेश, छ से छत्तीसगढ़, झार से झारखंड, ठीक है। ये तो आपने याद कर लिया कि इसमें कौन कौन से राज्य गुजरते हैं, लेकिन आपको कंफ्यूजन होगा कि कौन कौन से राज्य नहीं गुजरते हैं, उसको याद रखना भी बहुत जरूरी है। तो आपका मतलब हमारा जो यूपी है, यूपी नहीं गुजरता है, यूपी काफी नजदीक तक है लेकिन यूपी नहीं गुजरता है। यूपी के बगल में आपका बिहार है, बिहार नहीं गुजरता है, झारखंड गुजरता है, जब बिहार में से झारखंड अलग नहीं हुआ था तो वो गुजरता था लेकिन आज के डेट में बिहार नहीं गुजरता है, ठीक है। उसके अलावा महाराष्ट्र आप देख रहे हैं दूर रह जा रहा है, यहाँ पे महाराष्ट्र दूर है, उड़ीसा भी काफी नजदीक है लेकिन उससे नहीं गुजरता है, और यहाँ पे मणिपुर है वो ऊपर से निकल जा रहा है, ठीक है। तो ये चीजें ध्यान देने की, किन किन राज्यों से नहीं गुजरता है जिससे लगता है कि शायद गुजर सकता हो, मणिपुर, उड़ीसा, महाराष्ट्र, यूपी, बिहार, इनसे नहीं गुजरता है, बाकी दूसरे स्टेट को लेके आपको कन्फ्यूजन नहीं आएगा क्योंकि वो काफी दूर है, ठीक है। तो अब हमारा जो अगला और मतलब ये टॉपिक है जिसके लिए हमने शुरू में काफी टाइम लगाया था, भारतीय मानक समय रेखा। अब ये थोड़ा सा कैलकुलेशन फिर करूंगा मैं, ठीक है, थोड़ा सा आप समझने की कोशिश करें, एफर्ट लगाएं, एक बार ये चीज समझ में आ गई फिर दोबारा नहीं भूलोगे आप इसको। भारत का देशांतर का विस्तार कहाँ से है, 68.7 आप देख रहे हैं पश्चिमी हिस्सा और 97.25 पूर्वी हिस्सा, ठीक है। ये लगभग कितने डिग्री का अंतर, 29 डिग्री का अंतर आपको दिख रहा है। 1 डिग्री में कितना मिनट होता है, समय का अंतर 4 मिनट, मतलब 116 मिनट लगभग आपका होना चाहिए, 116 मतलब लगभग 2 घंटे, मतलब कि यहां जब सूरज उग रहा होगा तो ये उग रहा होगा मान लीजिए 6 बजे, तो यहाँ पे कब वो उसी दिन उग रहा होगा, उसी दिन 8 बजे उगेगा, ठीक है। यहाँ सूरज डूब रहा होगा रात में 7 बजे, शाम में 7 बजे, तो यहाँ कितने बजे डूब रहा होगा, यहाँ 5 बजे ही डूब रहा होगा, ठीक है। ये 2 घंटे का अंतर है, आप जैसे जैसे पश्चिम से पूर्व की तरफ बढ़ेंगे सूर्योदय जल्दी होता जाएगा।
तो 2 घंटे का अंतर है, तो हमें तो मानना चाहिए था फिर तो कि यहाँ पे 5 बज रहा है तो वहां 7 बजना चाहिए था, ऐसा कुछ करना चाहिए था। बहुत सारे देश में ऐसा है, रशिया में, जो भी बड़े देश हैं, रशिया में, आपके यूएस वेस में, बहुत सारे कंट्रीज में है, ठीक है। लेकिन भारत ने, चूंकि मात्र 2 घंटे का डिफरेंस था, तो भारत ने फाइनली डिसाइड किया कि हम एक मीन टाइम लेंगे, इसके बीच का कोई इलाका लेंगे, जिसके टाइम को हम भारतीय मानक समय रेखा मानेंगे, इंडिया स्टैंडर्ड टाइम मानेंगे, ठीक है। तो वो समय लेना था। समय जब भी लिया जाता है तो आधे घंटे के अंतराल वाले लिए जाते हैं, ठीक है। जैसे कि 75, 75 डिग्री है यहाँ पे, 75 डिग्री हो सकता है भारत में, है ना। यहाँ पे कितना है, 82.5 डिग्री है, 82.5 के बाद में 90 डिग्री हो सकता है, 90 डिग्री लगभग यहाँ से, ये 90 डिग्री, 97 यहाँ पे है तो 90 यहाँ के आसपास से कहीं से गुजरता होगा, ठीक है। 68 यहाँ पे है तो 75 यहाँ के आसपास से कहीं गुजरता होगा, तो हम 75 ले सकते थे, 82.5 ले सकते थे और 90 ले सकते थे। तो 82.5 आप देख रहे हैं कि लगभग भारत को 2 बराबर हिस्सों में विभाजित करता है, इसलिए 82.5 को लिया गया, ठीक है। अब 82.5 डिग्री है, इसका मतलब कितना मिनट हो गया, ठीक है। 82.5 को जब 4 से गुना करेंगे, 5 चौक 20, 4 दूने 8, 2 10, 8 चौक 32, 33, ठीक है, 330 मिनट हो गए। 330 मिनट का मतलब 5.5 घंटे, ठीक है। मतलब हम 5.5 घंटे कहाँ है, पूर्व में है। 5.5 घंटे पूर्व किससे हैं, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टाइम जो है, ग्रीनविच मीन टाइम, उससे 5.5 घंटे हम आगे हैं, ठीक है। तो हमारा जो ये मानक समय है वो विश्व के मानक समय से 82.5 डिग्री, मतलब कि 5.5 घंटे आगे है। इसका क्या मतलब हुआ, हमें कोई एडवांटेज है, नहीं, ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ जब सूर्योदय होगा उसके 5.5 घंटे बाद ग्रीनविच मीन टाइम में वहां पे सूर्योदय हो रहा होगा, ठीक है। अब देखते हैं कि ये जो ग्रीनविच, ये जो इंडियन स्टैंडर्ड लाइन है, टाइम लाइन है, ये कहाँ कहाँ से गुजरती है, ठीक है। तो सबसे पहले तो यूपी से गुजर रही है, यूपी के बाद यहाँ थोड़ा सा मध्य प्रदेश टच हो जा रहा है, उसके बाद छत्तीसगढ़ ये हो जा रहा है, फिर उड़ीसा हो रहा है, इसके बाद आंध्रा हो रहा है। ये 5 स्टेट आप देख रहे हैं कि यहाँ टच हो रहा है। याद कैसे रखेंगे, 3 प्रदेश, ठीक है, कन्फ्यूजन नहीं होगा। 3 प्रदेश कौन कौन, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश, ये 3 प्रदेश हो गए। इसके अलावा मात्र 2 स्टेट है, क्या क्या है, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा, ठीक है। ये रह गया छत्तीसगढ़, ये मध्य प्रदेश का हिस्सा हुआ करता था, जब बंटवारा हुआ उनमें तो एक नया स्टेट बन गया, और दूसरा उड़ीसा, ठीक है। बिहार और झारखंड के काफी नजदीक है, लेकिन बिहार झारखंड में नहीं है, तेलंगाना में भी नहीं है, ठीक है। तो किन किन राज्यों में नहीं है, बिहार झारखंड में नहीं है, तेलंगाना में नहीं है, वेस्ट बंगाल और ज्यादा दूर हो गया, ठीक है, और वैसे ही तमिलनाडु भी दूर हो गया, ठीक है। तो आप याद रखेंगे। अब कुछ जो है रोचक तथ्य हम देखेंगे, उसके बाद में हम यहां इसको ये करेंगे, ठीक है। रोचक तथ्य हमारे क्या क्या है, रोचक तथ्य में सबसे पहले मैं आपको बता दूं भारत की टोटल लंबाई कितनी है। भारत की टोटल लंबाई जो है 32,87,263 किलोमीटर है, आपको याद रखना है 32,87,000, ठीक है, जो पूरे विश्व का, आपने विश्व का मानचित्र देखा, ये रहा ना, इसमें भारत कहां पे है, ये यहां पे है, यहां पे आपको दिखा था, तो ये पूरे विश्व का कितना है, 2.4%, ठीक है, लगभग 2.4% है ये पूरे विश्व का, ठीक है। तो भारत पूरे विश्व की कितनी भौगोलिक भूमि सीमा जो है, भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना हिस्सा भारत के पास में है, 2.4%। विश्व के सबसे बड़े देश कौन कौन है, भारत किस में नंबर पे है, तो भारत 7वें नंबर पे, हर किसी को पता होगा कौन कौन से देश भारत से बड़े हैं, पहला रूस, दूसरा कनाडा, तीसरा चाइना, चौथा यूएस, यूएस मतलब अमेरिका, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, पांचवा ब्राजील, छठवां ऑस्ट्रेलिया और 7वें स्थान पे भारत आता है, ठीक है। भारत की भूमि सीमा कितनी है, तो 15,100 समथिंग था, 15,200 सिंपली सिंपली देख लेते हैं, ठीक है, याद रखने के लिए। भारत की तट सीमा कितनी है, 7,715 किलोमीटर है। भारत की तटीय सीमा
अगर द्वीपों को जोड़ देते हैं तो 7715 हो जा रहा है, ठीक है, लेकिन बिना तट मतलब उन समुद्र ये द्वीपों को जोड़े हुए कितना आता है, वो 6100 किलोमीटर आ जा रहा है, ठीक है। भारतीय सीमाओं का कुल जोड़ कितना है, 22715। कैसे हुआ ये, 15200 इसको जोड़ दिया और 7715 इसको जोड़ दिया, समुद्र को भी जोड़ दिया, भूमि को भी जोड़ दिया, तो टोटल हो गया 22715। आपको 0.5 और ये सब याद रखेंगे, 22700 सिंपली याद रख ले, चल जाएगा काम, ठीक है। उसके अलावा उत्तर से दक्षिण तक मुख्य भूमि की लंबाई जो है 3214 किलोमीटर है, पूर्व से पश्चिम तक 2933 किलोमीटर है ना, क्लियर है, ये चीजें स्पष्ट है। और भारत का जो तटीय सबसे ज्यादा बाउंड्री किस राज्य का बनता है, तो ये देखेंगे हम यहाँ पे, आपको सारा देश का मैप दिख रहा है यहाँ पे, जो तटीय बाउंड्री है ये देखिए, गुजरात जो है इतना दिख रहा है, इतना 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 इतना, आंध्रा का ज्यादा बड़ा दिख रहा होगा आपको यहां से लेके यहां तक, है ना, लेकिन नहीं, फिर ये क्या है, कटा फटा है, ये ऐसा है, ठीक है, और ऐसा है, इसकी वजह से गुजरात नंबर 1 है और आंध्रा नंबर 2 है, ठीक है। अब हम आज इस टॉपिक को भी साथ में देख लेंगे, क्या है ये आज का हमारा आखिरी टॉपिक है। इस टॉपिक में क्या है, जो 4-5 चैनल हैं उसके बारे में देख लेते हैं, फिर अंडमान निकोबार के मैप को हम अगली बार ज्यादा अच्छे से करेंगे, है ना। इंडिया में 6 डिग्री चैनल जो है, भारत और इंडोनेशिया को मतलब इंदिरा पॉइंट जो है यहाँ पे अलग करता है, 6 डिग्री चैनल, ठीक है। तो ये किसको किसको अलग करता है, इंडोनेशिया और अंडमान निकोबार के इंदिरा पॉइंट को, 6 डिग्री चैनल। 7-8 डिग्री चैनल क्या है, ये मिनिकोय को और मालदीव को, मिनिकोय क्या है, अंडमान निकोबार का एक द्वीप है, सदर्न मोस्ट द्वीप है, और मालदीव इधर अगला अलग देश है, सॉरी, इसके लिए 8 डिग्री चैनल जो है इनको डिवाइड करता है। उसके अलावा 9 डिग्री चैनल जो है वो मिनिकोय द्वीप समूह जो है और मालदीव के बाकी जो द्वीप समूह है उनके बीच में गुजरता है, 9 डिग्री चैनल। और ये जो 10 डिग्री चैनल है ये आप देख रहे हैं यहाँ पे, अंडमान और निकोबार, ये अंडमान द्वीप समूह है और निकोबार द्वीप समूह को, ये अंडमान द्वीप समूह आपको दिख गया यहाँ पे, ये निकोबार द्वीप समूह है, इनको बीच से डिवाइड करता है, ठीक है। तो 4 डिग्री चैनल हमने आज सीखा, 6 डिग्री, 8 डिग्री, 9 डिग्री, 10 डिग्री। आप बोलेंगे ये 9 डिग्री, 8 डिग्री, 6 डिग्री और 10 डिग्री क्या है, आप तो बताए जा रहे हो, मुझे पता ही नहीं चल रहा है कि क्या है ना, हम तो बस ऐसे ही सुन रहे हैं, रट लिया हमने। तो एक्चुअली जो है हमने वर्ल्ड का मैप देखा था, तो ये जो अक्षांश है 8 डिग्री का जो अक्षांश है वो जो है मिनिकॉय और मालदीव को अलग करता है, 9 डिग्री का जो अक्षांश है वो कावरत्ती अक्षांश जो है ना, लेटिट्यूडनल लाइन, वो जो है उन दोनों को अलग करता है, वैसे 10 डिग्री का लाइन जो है भारत जो बना हुआ है पृथ्वी पे वो उसको अलग करता है, 6 डिग्री का है वो इंडोनेशिया और क्या कहते हैं पॉइंट इंदिरा पॉइंट को अलग करता है। इसके अलावा अब हम अपना प्रश्न लेंगे आज का, अभी तक इन टॉपिक से जो भी प्रश्न पूछे गए हैं 5-7 प्रश्न होंगे, उसकी हम मतलब उसको हम रिवाइज करेंगे, तब हमें पता चलेगा हमने क्या सीखा और क्या हमसे नहीं बन रहा है। निम्नलिखित कथनों में से कौन से भारत के बारे में सही है, सही उत्तर के चयन हेतु अधोलिखित कूट का उपयोग कीजिए। भारत विश्व का 5वां बड़ा देश है क्या, पता है भारत विश्व का 5वां बड़ा देश है ना, 7वां बड़ा देश है, हम कैसे मान ले, 5वां तो भाई ब्राजील है, ठीक है, तो ये गलत हो गया भाई, आप 7वां। यह स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल का लगभग 2.4% है, बिल्कुल सही बात है, स्थल मंडल का भारत कितना परसेंट है, 2.4% है। समूचा भारत उष्णकटिबंध में स्थित है ना, आधा शीतोष्ण में है आधा उष्ण में है, ठीक है, आधा टेम्परेट है आधा ट्रॉपिकल है, तो उसकी वजह से ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। 82.30 पूर्वी देशांतर का उपयोग भारतीय मानक समय को निर्धारित करने के लिए 82.5 डिग्री का किया जाता है, बिल्कुल सही, तो दूसरे और चौथे सही हो गए, तो आंसर क्या हो गया, डी, ठीक है, ये यूपीपीसीएस मेंस 2006 का क्वेश्चन है। इसके अलावा अगली जो लाइन है ये तो आपको बताना पड़ेगा, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, कर्क रेखा किन राज्यों से होकर गुजरती है, ओडिशा, बिहार, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आया हुआ है, आप देख रहे हैं 1990 का, उस समय झारखंड
बिहार का हिस्सा हुआ करता था। 15 नवंबर 2000 को जब अलग राज्य बना झारखंड, उसके पहले तक झारखंड बिहार का हिस्सा था, तो झारखंड को तो टच करता है कर्क रेखा, तो उस समय के बिहार को भी टच करता होगा। उड़ीसा को नहीं करता है हमने देखा है, उत्तर प्रदेश को नहीं करता है हमने देखा है, आंध्र प्रदेश को नहीं करता है हमने देखा, तो ये गलत हो गए और ये हमारा सही हो गया। अब अगला प्रश्न, कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन राज्यों से होकर गुजरती है? फिर वही प्रश्न आ गया, बस ऑप्शन बदल दिए गए हैं। ठीक है, चूज करना है। गुजरात से गुजरती है, गमछा गुजरात। छत्तीसगढ़ से गुजरती है, बिल्कुल गुजरती है, गमछा छा। ठीक है, छ से छत्तीसगढ़। उत्तर प्रदेश से गुजरती है, बिल्कुल नहीं गुजरती है, आपको बताया गया है। झारखंड से गुजरती है, झार झारखंड। ठीक है, तो आपका 1 2 4, 1 2 4 ये रहा और आपका सही उत्तर मिल गया आपको। अगला है, निम्नांकित नगरों में से, ठीक है, तो ये याद करना पड़ेगा आपको, इसका कोई ये नहीं है, आप मैप देखें कौन कौन से शहर हैं, आपको जो भी ऑप्शन दिए गए हैं वो इक्वेटर के, ये कैंसर के जो कर्क रेखा के काफी नजदीक वाले शहर ही दिए गए, अगरतला, गांधीनगर, जबलपुर, उज्जैन, सब बहुत नजदीक। ठीक है, गांधीनगर अगर आप कभी जाओगे, गांधीनगर के पास में एक वाटर पार्क है, बोलते हैं कि एशिया का सबसे बड़ा वाटर पार्क है, आई एम नॉट वेरी मच श्योर, लोग वहाँ पे पता नहीं बोस्ट करने के लिए बोलते हैं या सही करने के लिए, तो वहाँ पे मैं जब गया हुआ था तो वहाँ पे वाटर पार्क के पास में ही रोड पे एक लाइन खींची हुई है, उस पे लिखा हुआ है यहाँ से कर्क रेखा गुजरता है। ठीक है, तो काफी नजदीक हो गया वो, बट मतलब गांधीनगर से मुश्किल से 2 4 5 10 किलोमीटर ऐसा टाइप का होगा दूरी। तो इस उत्तर में मतलब जो कर्क रेखा में भारत में सबसे नजदीकी शहर है वो कौन सा है? गांधीनगर। बाकी सारे भी नजदीकी हैं लेकिन ये सबसे नजदीक। निम्नलिखित में से किस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है? बताना पड़ेगा, ये त्रिपुरा से गुजरती है। ठीक है मित्र, त्रिपुरा, छत्तीसगढ़, गमछा छ छत्तीसगढ़, मित्र मिजोरम। ठीक है, मिजोरम है, मणिपुर नहीं है, पहले भी बताया था, मैं दोबारा बता रहा हूँ उसको। ठीक है, अब ये क्वेश्चन जो है, इतनी कैलकुलेशन आपको सिखाई गई थी वो इसी सब क्वेश्चन के लिए सिखाया गया था। जब भारतीय मानक समय के यामोत्तर पर अर्धरात्रि है, एक स्थान पर सुबह का 6 बजता है, उस स्थान की अवस्थिति जिस यामोत्तर पर है वह क्या है? भारतीय यामोत्तर का कितना है? भारत में क्या बज रहा है? रात का 12, और वहां बज रहा है सुबह का 6, मतलब वो हमसे 6 घंटा पूर्व है ना। भारत जो है ग्रीनविच मीन टाइम से 5.5 घंटा पूर्व है, और ये क्या है? ये हमसे भी 6 घंटा पूर्व है ना। तो 5.5 घंटा हमारा, और ऐसे लिख लेते हैं, मतलब 5.5 कर देते हैं सीधे, और ये 6 घंटा। ठीक है, 11 घंटा, 11.5 घंटा जो है हमसे पूर्व है, और एक बार होने पे 1 घंटा कितने में होता है? 1 मिनट में, 1 डिग्री में 4 मिनट। ठीक है, तो 1 घंटा 15 डिग्री में हो रहा है, 15 डिग्री में हो रहा है ना, तो 15 डिग्री गुने 11.5 घंटा। ठीक है, ये हो गया आपका 172.30। ठीक है, 172.30 हो गया, जो कि आपका ये उत्तर हो गया। किधर होगा, पूर्व में कि पश्चिम में? कोई कंफ्यूजन है इसको लेके? ये पूर्व में होगा क्योंकि वहां पहले सूर्योदय हो रहा है। ठीक है, 6 घंटा पहले हो रहा है ना, तो वो पूर्व में होगा। ये चीज दोबारा समझ ले, मैंने पीछे बताया हुआ, कोई कंफ्यूजन हो तो आप मैसेज करेंगे। ठीक है, ये क्लियर है, इस पर कोई डाउट नहीं रखना है, इस चीज को अच्छे से समझना है। 1 डिग्री मतलब 4 मिनट, मतलब 15 डिग्री मतलब 1 घंटा। ठीक है, तो जब भी 1 घंटे का समय का अंतर आ रहा है वो 15 डिग्री के परिवर्तन पे आ जा रहा है। भारतीय मानक समय की यामोत्तर नहीं गुजरती है, कहाँ कहाँ से गुजरती है वो याद रखेंगे तो नहीं गुजरती अपने आप याद आ जाएगा। 3 तो प्रदेश थे, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश। तो ठीक है, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश इस ऑप्शन से अपने आप गायब हो गया। उसके अलावा 2 और क्या था? छत्तीसगढ़ और उड़ीसा। छत्तीसगढ़ आपको दिख रहा है, उड़ीसा नहीं दिख रहा ऑप्शन में, उसके बदले इन्होंने महाराष्ट्र दे दिया है, तो उत्तर सही हो जाएगा महाराष्ट्र। निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य बांग्लादेश से अपनी सीमा नहीं बनाता है? बांग्लादेश से सीमा नहीं बनाता है, बांग्लादेश से कौन कौन सीमा बनाता था? वेस्ट बंगाल बनाता था, असम 2 जगहों पे बनाता था, मेघालय बनाता था, उसके अलावा त्रिपुरा बनाता था और मिजोरम बना था। मिजोरम दोनों के साथ बनाता था, बांग्लादेश के साथ भी और म्यांमार के साथ में भी।
तो यहाँ पे क्या हुआ है, असम बना रहा है, सही है, नागालैंड नहीं बना रहा है, मेघालय बना रहा है, मिजोरम बना रहा है, तो उत्तर आपका क्या हो गया, यूपीपीसीएस मेंस का 2016 का क्वेश्चन है, नागालैंड। मैकमोहन रेखा सीमा रेखा बनाती है किसके किसके बीच में, तो हमने देखा था कि रिजुशु पास के पास में वो जो म्यांमार बॉर्डर, म्यांमार चाइना बॉर्डर तक अरुणाचल प्रदेश का हिस्सा था, और इधर से क्या कहते हैं भूटान और चाइना बॉर्डर के साथ में जो अरुणाचल प्रदेश का हिस्सा था वहाँ पे मैकमोहन के द्वारा लाइन खींची गई थी, तो वो भारत और चीन के बीच में है ऑब्वियसली, तो भारत और चीन। भारत के निम्नांकित राज्यों में से किसके तीन तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमाना है, ये फिर हमने देखा हुआ है, ये भी आया हुआ प्रश्न है, त्रिपुरा, त्रिपुरा तीन तरफ समुद्र है ना। तो दोस्तों आज का हमारा यहीं पे क्लास खत्म होता है, और अब हम क्या कहते हैं अगले क्लास में आपको इसके आगे की चीज़ें बताई जाएंगी कि उसमें हमें क्या पढ़ना है, मतलब उसके आगे की जो भी भारत की जो चीज़ें हैं खास करके फिजियोग्राफी वाला जो पार्ट है उसको हम कवर करेंगे। तब तक आप इसको ठीक से पढ़ें, इसको रिवाइज करें, और आपको जो टास्क दिए गए हैं उसको याद रखें, और जो शॉर्ट ट्रिक आपको बताए गए हैं उसको भी याद रखें, ठीक है। आप नॉर्थ ईस्ट का मैप अच्छे से जान जाएं, मित्र पे गमछा झार आपका पूरा क्लियर होना चाहिए, यामी उत्तर कहाँ कहाँ से गुजरता है, तीन प्रदेश हो गया, एक छत्तीसगढ़ उड़ीसा हो गया, इसके अलावा जो मिनट डिग्री वाला डिफरेंस है अक्षांश देशांतर का, ज्योग्राफी को जानने के लिए वो समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है, तो आप उसको ठीक से समझें, ठीक है। फिर मिलते हैं अगले क्लास में, थैंक यू।